उधर उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड के कर्मियों को भी 7वें वेतनमान की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और यशपाल आर्या मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक के सामने 12 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। कैबिनेट ने राज्य में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों को दिए जाने वाले डीजल और प्राकृतिक गैस में वैट को 5% कम कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले से माना जा रहा है कि औद्योगिक इकाइयों के साथ राज्य के राजस्व को भी फायदा होगा, क्योंकि अब तक उत्तराखंड में डीजल और प्राकृतिक गैस महंगी होने के चलते सभी औद्योगिक इकाइयां दूसरे रास्ते खरीदती थी, लेकिन अब कैबिनेट के फैसले के बाद औद्योगिक इकाइयों को उसी दर पर राज्य में ही डीजल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी, जिससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसकी ब्रीफिंग मैं अभी आपके सामने एक-एक करूंगा। उत्तराखंड के चतुर्थ विधानसभा का जो 2017 का सत्र था, आज माननीय मंत्रिपरिषद ने 17वां का निर्णय उसका लिया है। इसमें 13 विधेयक हम लोगों ने पारित किए थे। इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड के 7वें वेतनमान को मंजूरी। राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उपयोग के लिए डीजल कर के दर को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य के औद्योगिक धंधे के उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस पर कर के दर को कम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य में आबकारी अधिनियम 1910 की धाराओं में संशोधन को मंजूरी। हल्द्वानी ISBT निर्माण के प्रस्ताव को पुनः कैबिनेट में लाने को संस्तुति। राज्य में जल मूल और सीवर शुल्क के एक मुस्त भुगतान पर लेट फीस में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी समेत कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में आबकारी अधिनियम 1910 के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य में क्लब, रेस्टोरेंट और बार एक साथ संचालन करने में सरकार की ओर से नियमों में छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले अर्थदंड को भी सरकार ने बढ़ाया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 आबकारी ने सुनाई देश में भी कैबिनेट के प्रस्ताव में राजस्व को बढ़ाने को लेकर जहां कई कदम उठाए गए हैं, वहीं राज कर्मचारियों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश कैबिनेट में की गई है। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। राज्य में नगर निकाय विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ साथ कैबिनेट ने आबकारी अधिनियम 1910 के तहत संशोधन किया है। राज्य में अब आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी नियमों के उल्लंघन करने पर 6 महीने के कारावास के साथ साथ अर्थदंड को भी बढ़ाया गया है। वहीं सरकार ने उद्योगियों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए राज्य की औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस और डीजल खरीद पर 5% वैट में छूट दी है। इसके अलावा कैबिनेट से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को भी तगड़ा झटका मिला है। हल्द्वानी में प्रस्तावित ISBT की भूमि को अब बदला जाएगा। इसके पीछे कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और इंदिरा हृदयेश के बीच जो विवाद उपजा था, उसी के चलते ये ISBT की जमीन बदली जा रही है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ सुरेंद्र डसीला, नेशनल वॉइस, देहरादून।